विंटर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। आपको बता दें 4 दिसंबर से विंटर पार्लियामेंट सेशन का आगाज हुआ था, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से कुछ दिन पहले सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, आपको बता दें उस पर लगातार ओपोजिशन हंगामा कर रही है कि वजीर दाखिला अमित शाह इस पर बयान दें कि आखिर क्यों ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई, क्यों वो दो लोग विजिटर गैलरी से अंदर घुसे और पार्लियामेंट में धुआं ही धुआं हो गया था, आखिर वजीर दाखिला अमित शाह इस पर बोल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो भी पार्लियामेंट मेंबर ओपोजिशन का वजीर दाखिला अमित शाह से सवाल पूछ रहा है, उसे पार्लियामेंट से बार बार सस्पेंड किया जा रहा है। आपको बता दें अब तक सस्पेंड जो भी पार्लियामेंट मेंबर किए गए हैं, दोनों हाउसेस की बात करें तो तकरीबन 141 पार्लियामेंट मेंबर जो है अब तक सस्पेंड कर दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि आज 50 पार्लियामेंट मेंबर जो है वो लोकसभा की बात करें वहां से जो सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोकसभा मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, हसनैन मसूदी साहब मौजूद हैं। बात करें कांग्रेस लीडर शशि थरूर की, जो कि केरला से आते हैं, उन्हें भी पार्लियामेंट से जो है सस्पेंड कर दिया गया है। डिम्पल यादव यानी कि अखिलेश यादव की जो पत्नी है, जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखती है, उनको भी जो है पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया है। सुप्रिया सोल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। दानिश अली और भी कई नाम मैं आपको गिनवा सकता हूं जिनको पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया है। एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑपोजिशन पार्टी ने लगातार हंगामा खड़ा कर दिया है कि बीजेपी के लीडर और बीजेपी के होम जो इस वक्त सरकार इकतदार में वो जवाब दे, अमित शाह जवाब दे, आखिर ये सिक्योरिटी ब्रिज हुई तो हुई क्यों है। आपको ये भी बता दूं कि ऑपोजिशन का ये कहना है कि जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था उसका ताल्लुक जो है बीजेपी से, जिसका नाम ललित झा बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हुई क्यों सिक्योरिटी चूक उस पर जो है जवाब नहीं दिया जा रहा है। कौन ये लोग थे, क्यों उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है, लेकिन ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई क्यों है, अपोजिशन पार्टी सिर्फ उसका जवाब मांग रहे हैं। लेकिन लगातार अपोजिशन पार्टियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और स्पीकर की जानिब से लगातार उन तमाम अपोजिशन पार्टी के लोकसभा मेंबर्स को सस्पेंड किया जा रहा है जो भी वजीर दाखिला अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं, चाहे राज्यसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें। कल के दिन में 78 लोकसभा और राज्यसभा के दोनों हाउसेस के मेंबरों को जो है सस्पेंड कर दिया गया। आज भी खबर ये आ रही है कि लगभग 50 के आसपास लोकसभा के मेंबर्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त पार्लियामेंट से आ रही है। शशि थरूर ने ANI से बातचीत करते हुए ये कहा कि बीजेपी ओपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट बाहर जो है वो बनाना चाहती है, ये पूरी तरह से हमला है। बीजेपी नहीं चाहती कि ओपोजिशन पार्टी के लीडर जो है हमसे सवाल पूछे। अगर बीजेपी ये सब करना चाहती है वो खुद ही पार्लियामेंट को चला ले, ओपोजिशन की क्या जरूरत है। बीजेपी डेमोक्रेसी की जगह ऑटोक्रेसी जो है वो लगातार देश में चला रही है, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। बीजेपी से अगर सरकार में रहते हुए कोई गलती हो रही है उसे सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन वहीं आपको याद होगा कुछ दिन महुआ मित्रा, जो कि TMC से ताल्लुक रखती है, उनकी पार्टी से बिलोंग करती है, उसे भी पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का विजिट किया था, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने उसमें जो है दोबारा से पार्लियामेंट में आने की इजाजत नहीं दी गई है। तमाम तर पार्लियामेंट मेंबर जो भी बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं उन्हें बार बार सस्पेंड किया जा रहा है। आपको ये बता दें ये पार्लियामेंट सेशन जो है 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलना है और इसमें कुछ अहम बिलों को जो है मंजूरी देनी अभी भी बाकी है। कुछ बिलों को मंजूरी दी भी गई है जिनमें 33% वुमेन रिजर्वेशन है या फिर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है और भी कई बिल्स हैं जिनमें जो है पार्लियामेंट में उनको जो है मंजूरी मिलनी है। लेकिन फिलहाल पार्लियामेंट जो है आज स्थगित कर दी गई है और देखना यह जरूर होगा कि कल क्या कल के दिन में इन तमाम पार्लियामेंट मेंबर को दोबारा से पार्लियामेंट में आने की इजाजत होगी या नहीं, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन ऑपोजिशन का इस वक्त बड़ा हंगामा और उनका कहना है बीजेपी देश में पहले ये कह रही थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन अब पार्लियामेंट में ऑपोजिशन मुक्त भारत की जो है वो मुहिम चल रही है। शशि थरूर ने बीजेपी पर हमला करते हुए ये कहा कि बीजेपी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, ऑपोजिशन के लीडर जो भी सवाल पूछते हैं उनका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, बस बीजेपी सिर्फ पार्लियामेंट मेंबर्स को सस्पेंड करने के लिए बैठी हुई है, बाकी लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। अब देखना यह जरूर होगा कि कल के दिन क्या इन 141 पार्लियामेंट मेंबर्स को दोबारा से पार्लियामेंट में आने की इजाजत होगी या नहीं, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।